रहे हैं, इनको दोनों साइडों से काट लेंगे हम यहाँ से, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे। ये अब हमने इसको दोनों साइडों से काट लिया, यहाँ से भी और वहाँ से भी। अब जो बाकी हमारे पास पड़ी हैं इनको भी ऐसे ही सारा काट के फिर इनको ना दरमियान से दोनों को यहाँ पे इकट्ठा करके तो जोड़ देंगे। तो अब आपको एक चीज़ दिखाने के लिए लिए चलते हैं आगे। अरे तो भाई ये देखो यार, ये देखो कैसे लेटे हुए हैं यहाँ पे। तो यार हुआ कुछ यूँ कि मैंने जो सोचा था ना वैसा हुआ नहीं। एक्सपेक्टेशंस क्या थी और रियलिटी क्या निकली। तो ना मैंने एक तरफ से उसको वहाँ पे बांध दिया था, वहाँ से कील लगा के ना वहाँ पे फिट कर दिया था, और दूसरी तरफ से ना ये पट्टी पड़ी हुई। ये अभी तो फ़िलहाल दो टुकड़ों में बटी हुई है, लेकिन पहले फ़िलहाल सही सलामत थी, एक ही थी, वन पीस थी। तो यहाँ पे हमने फिक्स किया हुआ था और ना इसके साथ हमने इसका दूसरा हिस्सा उसके साथ लगाया हुआ था। तो रात को मौसम भी काफ़ी अच्छा था, हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, जिस वजह से बेचारे लेट हो गए ना। ये देखो लेटे हुए। तो मैंने सोचा था ना कि एक तरफ से बांध देंगे और दूसरी तरफ से बांध देंगे और ना ये सेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरमियान से ना ये फोल्ड होने लग पड़ा, मतलब कि जब इसमें खिंचाव आया ना तो दरमियान से भी ये ऐसे फोल्ड होना शुरू हो गया था। तो सोचने में काफ़ी आसान लग रहा था ना कि यार एक दफ़ा बस लगा दिया, उसके बाद खपने की ज़रूरत नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, सीधा रहेगा। लेकिन जब खिंचाव आया ना इसमें तो ये फोल्ड होना शुरू हो गया। तो अब इसका भी कोई अभी तक फ़िलहाल मुझे आइडिया नहीं मिला कि अब दरमियान में इसके मैं क्या लगाऊँ जिससे ना ये फोल्ड ना हो, बल्कि ना इस तरह सीधा रहे, ऐसे ऐसे सीधा रहे। तो उसका भी अब कुछ सोचते हैं। तो यार ये काम ख़राब हो गया हमारा, तो अब इससे के रिलेटेड कोई और आइडिया सोचते हैं जिससे ना ये हमारे पर्दे थोड़े और ऊंचे हो जाएं, कवर हो जाएं, ताकि ये ना हमारी मुर्गियां ना भाग सकें यार यहाँ से। तो उधर का अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते क्योंकि भाई वो घर का फ्रंट है, तो वो फिर ना क्या कहते हैं उसे, लुक ख़राब हो जाती है ना घर की फिर ना यार, अगर फ्रंट साइड पे ऐसी बोरियां लगी हुई नज़र आएंगी। तो खैर अभी इसका कोई और आइडिया सोचेंगे। तो फ़िलहाल अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ना फ़िलहाल इसको उतारते हैं और कुछ और इसके यहाँ तो इसी से ही कुछ करते हैं कि ये सेट हो जाए दोबारा और ऐसे ना ये फोल्ड ना हो, या फिर कुछ और लगाते हैं यहाँ पे। तो यार इसका मैंने सोचा है कि ना अभी फ़िलहाल ऊपर नी इतना करते, क्योंकि अभी इसका भी नहीं टाइम मिलता यार इसको सेट करवाने का। तो अभी फ़िलहाल ना इसके ऊपर कोई हल्का फुल्का सा करेंगे कि ना बारिश का पानी ना आए नीचे, और अंदर से ये जो है ना ये वाले, तो इनको भी, इनको तो सीमेंट लगा के कवर अप करेंगे ना, तो ऊपर से किसी तरह कर देंगे कवर के बारिश का पानी ना अंदर आए, क्योंकि बाकी खैर है बाकी इतना कोई नहीं है, नीचे से जाली लगा देते हैं। तो जब तक हमारी मुर्गियां नहीं ना आ जाती और, तो तब तक यार हमारे ना कुछ मुर्गों को हम यहाँ पे बंद कर देंगे, देखेंगे अगर तो वो यहाँ पे सही रहते ना, आपस में इतना नहीं लड़ते, ज़्यादा नहीं बस। ये देखो यार ना मैं बोलता पे आना तानू बोलन दी की लोड़। तो यार देखो यहाँ पे लड़ते बहुत हैं, तो इरादा है कि ना कुछ ज़्यादा नहीं, कोई तीन चार मुर्गों को ना यहाँ पे रख देंगे, तो देखेंगे अगर तो ये यहाँ पे थोड़े बहुत सुकून में हैं, आपस में इतना नहीं लड़ते तो ठीक है, यहीं पे रहने देंगे इनको, और यहाँ पे रहने देंगे इनको, और अगर लड़ते हुए तो फिर वापस ही शिफ्ट कर देंगे कि भाई लड़ी जाओ, अब क्या कर सकते हैं, और तो कोई इलाज नहीं तुम्हारा। तो फ़िलहाल इसको इतना ही करेंगे, बाकी आहिस्ता आहिस्ता ना इसको कवर करते जाएंगे हम। तो
ये भी है कि ना मुर्गियों को भी सुकून रहेगा, तो मुर्गियों को भी बहुत मारते हैं और आपस में भी बहुत लड़ते हैं, तो बड़े भी अब काफ़ी हो गए हैं ना, तो करते हैं यार इनको ना अलग करेंगे अब कुछ दिन के अंदर ना, जाली ला के तो यहाँ पे लगाता हूँ मैं, बाकी भी कवर अप करते हैं ना, तो यहाँ पे वही होगा दूसरा इस तरह का ना, एक बाला वहाँ पे लगा देंगे ऐसे लंबे रुख, और दरवाज़ा लगा देंगे उस तरफ, मतलब जाली वाला काम हो जाएगा, बस ऊपर वाला अगर देख लेंगे ना, अगर बाद में भी हो सकता हुआ तो कर देंगे, ये ना हो जाली लगाने की वजह से ऊपर का काम ना बाद में हो सके उसमें मुश्किल आए, तो एक दफ़ा ये जाली भी कर दें, फिर देखते हैं क्या करना क्या हो सकता है और।